गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने संस्कृत के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझी। फ्रूट के नेम देखे आपने, वेजिटेबल्स के नाम, कलर के नाम, अलग अलग पशु पक्षी सबके नाम देखे। इसके अलावा आप लोगों ने छोटे छोटे सेंटेंस बनाना भी सीखा और एक दूसरे के साथ किस तरह से बातें करते हैं हम लोग, तो उसको भी छोटे छोटे जैसे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आप लोग किसी को पूछते हो कि आप कैसे हो, इट मीन्स किस तरह से व्यवहार करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने संस्कृत में सीखी थी। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने सेवन स्टैंडर्ड के अंदर, सिक्स स्टैंडर्ड के अंदर जो हमारे वीक के नेम होते हैं, जैसे संडे मंडे होता है उसको आपने सोमवार सा रहा, मंगलवार सा रहा, तो इस तरह से वीक के नेम भी आप लोगों ने सीखे। तो आज मैं आप लोगों को संख्या के बारे में आपको समझाऊंगी। सेवन स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने संख्या 1 से 50 तक सीखी थी, लेकिन आज जो संख्या सीखने जाओगे वो 1 से 100 तक, यानी कि जो अभी तक आप इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में सीखते थे वही संख्या 1 से 100 तक की आपको संस्कृत में भी सीखनी है। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पे समझाया गया है, जिसके अंदर एक शॉपकीपर, जो एक लड़का शॉपकीपर के पास जाके कोई भी चीज़ देता है तो उसके साथ वो संस्कृत में बातचीत करता है, तो यहाँ पे वो समझाया गया है। रमेश सर और सुरेश, ये दो कैरेक्टर है जो दोनों फ्रेंड थे और दुकान बाजार के फ्रूट लेने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुरेश जो होता है वो बोलता है, अहो रमेश सर कुत्र गच्छति, यानी कि ओ रमेश तुम कहाँ पे जा रहे हैं। रमेश आपणम गच्छामि, यानी कि मैं दुकान पे, आपणम मतलब दुकान, तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ। सुरेश अहम अपि आगच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आगच्छामि मतलब तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। रमेश भवान किं क्रेतुम इच्छति, यानी कि तुम क्रेतुम यानी कि इच्छा रखना, तुम क्या खरीदने की इच्छा रखते हो, क्योंकि वो भी दुकान पे जा रहा था और रमेश भी दुकान पे जा रहा था, तो उन दोनों ने पूछा कि तुम क्या खरीदने की इच्छा रखते हो। तो सुरेश पूछता बोलता है, अहम फलानी क्रेतुम इच्छामि, यानी कि मैं तो फल खरीदने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए फल की दुकान पे जाना था। रमेश पश्यतु तत्रैव फल विपणी अस्ति चलतु, यानी कि यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि ये जो शॉपकीपर है यानी कि ये फ्रूट सेलर है वो फ्रूट बेचता है, तो जो रमेश सुरेश था उसको फ्रूट लेना था, तो रमेश ने उसको बोला कि यहाँ पे फ्रूट की दुकान है, तो यहाँ पे एक तरह से बोला है कि देखो यहाँ पे फ्रंट ये जो फ्रूट है उसकी दुकान है, चल वहाँ पे पहले चलते हैं। सुरेश पंचव्या विपण्या फुटवानी फलानी संति, यानी मुझे 5 अलग अलग पके हुए फल चाहिए। रमेश बोलता है, भद्र आम्रफलन कियत मूल्यम, यानी कि भैया आम्रफलन इट मीन्स मैंगो, ये मैंगो जो है वो कितने में दिए, मतलब उसका दाम कितना है। फल विक्रेता यानी कि जो फ्रूट बेचता है उसने बोला, 50 रुपये 10 फलानी, 50 रुपये के 10 फल है, यानी कि मैंगो जो है वो 10 अगर खरीदते हैं तो उसको आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। रमेश द्वादश कल्दी फलाना नाम, यानी कि अगर मुझे 12, द्वादश मतलब 12, तो अगर मुझे 12 कल्दी यानी कि केला बनाना, तो अगर मुझे 12 केला चाहिए तो वो कितने में आएंगे। तो फल विक्रेता बोलता है, 16 रुपये काणी, यानी कि 16 मतलब 16 रुपये, 16, तो 60 रुपये की ये जो केले है वो मिलेंगे आपको। रमेश चतुर्णा नारंग फलानाम, नारंग मतलब ऑरेंज, चतुर्णा मतलब 4, तो अगर मुझे 4 ऑरेंज चाहिए तो कितने की मिलेगी। फल विक्रेता, 20 रुपये, विशंती मतलब 20 रुपीज, 20 रुपये। तो फल विक्रेता इस तरह से बोलता है कि आपको 20 रुपये की मिलेगी, मतलब कि 4 नारंग की 20 रुपये की है। सुरेश तही मय 300 कल्दी फलानी ददा दू, तो फिर मुझे तो 300 इट मीन्स 30 कल्दी फलानी यानी बनाना, तो आप मुझे 30 रुपये के फल जो बनाना है वो 30 रुपीज के बनाना मुझे दे दो, ददा दो मतलब गिव यानी कि देना। रमेश मह्य द्वादश नारंग फलानी ददातु, और मुझे भी द्वादश मतलब 12
तो 12 नारंगी जो मतलब कि ऑरेंज जो है वो मुझे दे दो। सूर्य सक्रियत और मूल्य, यानी कि इसका क्या मूल्य होगा, इसके दाम कितने होंगे दोनों के। फल विक्रेता, तो फल विक्रेता सामने से आंसर देता है कल्दी फलानाम चतवारि शतम, यानी कि जो बनाना है उसके चतवारि शतम इट मीन्स 40 रुपीज़, यानी कि 40 रुपये केले जो है उसके 40 रुपये, और नारंग फलानाम चौष्टी यानी कि जो नारंगी ऑरेंज है उसके 60 रुपीज़ हुए। तो रमेश बोलता है 70 रुपये कहानी से स्वीकर है, तो 70 रुपये कहानी 70 इट मीन्स 100, तो ये सब मिलाकर 100 रुपीज़ हुए हैं। फल विक्रेता बोलता है बवद यानी कि अच्छा। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर अलग अलग मतलब आपने कुछ वर्ड देखे कि 40 को क्या बोलते हैं, 16 को क्या बोलते हैं, तो इसी तरह से 1 to 100 तक के सारे जो संस्कृत के वर्ड है आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आपको मैं चैप्टर में उसका फोटो भेजूँगी तो उसको लिखने आपको। थैंक यू।